टैक्स 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 ऑडिट, ऑडिट, ऑडिट सिर्फ एक चैप्टर करा दो वो है टैक्स ऑडिट लो करा दिया आपको एक चैप्टर टैक्स ऑडिट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने एफर्ट्स मैं डालूंगी इस लेक्चर को कराने में जितनी एनर्जी मेरी रहेगी आपके एफर्ट्स एट लीस्ट मेरे एफर्ट से ट्वाइस तो होने ही चाहिए राइट right. इस चैप्टर को कराने में भी एफर्ट लगते हैं रिवाइज कराने में भी एफर्ट लगते हैं और मैं समझती हूं कि जब आप पढ़ते हो आपके भी एफर्ट्स लगेंगे आप लोगों ने इतना मांगा इस चैप्टर को कि मैं मजबूर होगी इस चैप्टर को देने में ट्रस्ट भी मैं इस चैप्टर में हाथ डालना ही नहीं चाह रही थी इसके दो रीजन है एक तो नवंबर दो के बाद ये चैप्टर सिलेबस से हट ही जाएगा तो ये क्लास आप देखोगे उसके बाद रेलिवेंट हो जाएगी दूसरा इस चैप्टर की जो वेटेज है एग्जाम में और जो इसकी लेंथ है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मतलब ये चैप्टर टाइम ज्यादा मांगता है एफर्ट ज्यादा मांगता है और जो इसका वेटेज आती है एग्जाम में वो कम है लेकिन क्योंकि आप लोगों को चाहिए ये चैप्टर ये खौफ है आप लोगों के लिए तो मैं कोशिश करूंगी कि ये खौफ अगर खत्म नहीं कर पाई एटलीस्ट कम तो हो ही जाए राइट सो लेट्स स्टार्ट विद ऑडिट अंडर फिजिकल लॉस Before starting with this lecture, I would want you to subscribe to this channel if you have not as of yet. अगर आप पहली बार आए इस channel पर ठीक है या फिर आप बार बार आते हो आप देख लेते हो पर channel को नहीं subscribe करते हो do subscribe to this channel. Also,

एबी okay, so में, 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 में जहां पर हम आपके फॉर्म थ्री सी डी के पर्टिकुलर को पढ़ते हैं 44 फोर क्लोजिस को पढ़ते हैं जो हम लेटर पार्ट ऑफ इस लेटर पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में कवर करेंगे एक ऑडिट आती है आपकी पब्लिक ट्रस्ट की अंडर सेक्शन नंबर ट्वेल्व ए राइट अब क्वेश्चन ये उठता है कि पब्लिक ट्रस्ट और आपके इंस्टीट्यूशन को ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट क्यों लगती है सिंपल सा रीजन है आपका इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपके पब्लिक ट्रस्ट को आपके इंस्टीट्यूशन को सेक्शन नंबर इलेवन और ट्वेल्व की एग्जामेशन चाहिए तो उन्हें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कौन कौन सी नंबर वन उनकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए से मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू द इनकम टैक्स और ये अमाउंट ये लिमिट आप कब देखोगे बिफोर गिविंग द ऑफ सेक्शन इलेवन एंड सेक्शन ट्वेल्व उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन है कि इनको अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी इस वजह से आपकी पब्लिक ट्रस्ट को को इंस्टीट्यूशन ताकि वो सेक्शन नंबर इलेवन और ट्वेल्व की एग्जामेशन को अवेल कर सके ये अपनी ऑडिट कराते हैं राइट right? फिर क्वेश्चन आता है कि इनकी ऑडिट करेगा कौन तो इनकी ऑडिट करेगा एक अकाउंटेंट कौन करेगा एक अकाउंटेंट और ये अकाउंटेंट कौन होगा ये भी डिफाइंड है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर टू एटी एट सब सेक्शन नंबर टू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में जिसको भी हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे कि कौन एक अकाउंटेंट बन सकता है और कौन अकाउंटेंट नहीं बन सकता है राइट right. उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि आपका जब भी ये अकाउंटेंट ऑडिट करेगा आपकी ट्रस्ट की तो उस केस में इसके ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होंगी या ऑडिट कैसे करेगा वो उसके ऑडिट के स्टेप्स कौन कौन से होंगे तो तीन इसके ऑडिट के स्टेप होंगे नंबर वन वो कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म करेगा तो वो आपकी ट्रस्ट से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कौन कौन से सबसे पहले वो आपके ट्रस्ट को बोलेगा कि मुझे आप कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन दे दो किस रेजोल्यूशन की कॉपी जिस रेजोल्यूशन के थ्रू आपके इस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि उस रेजोल्यूशन की कॉपी के अंदर क्या होगा आपका हो स्कोप साथ साथ कि मुझे अपना ट्रायल बैलेंस दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दो तो वो ये सारे मांगेगा आपकी ट्रस्ट से और जब वो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेगा अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन कर लेगा उसके बाद वो आगे बढ़े और स्टेप नंबर टू में आके परफॉर्म परफॉर्म करेगा 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 एंड ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स और सबसे पहले काम क्या करेंगा? जैसे हम अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करते हैं किसकी अकाउंटिंग सिस्टम की और इंटरनल कंट्रोल की तो ये भी सबसे पहले कि उस ट्रस्ट के अकाउंटिंग सिस्टम कैसे हैं इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं उसके बाद करना शुरू करेगा वाउचिंग वाचिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है वाउचिंग करने का इसका ऑब्जेक्टिव होगा इन चीजों को इंश्योर करना किन चीजों को इंश्योर करना कि जो भी ट्रांजेक्शन आपकी ट्रस्ट करती है ट्रांजेक्शन मतलब जो भी इनकम की ट्रांजेक्शन वो करती है जो भी एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन करती है कोई एसेट बाई करती है कोई लाइबिलिटी इनका करती है वो ट्रांजेक्शन उसकी पावर में होनी चाहिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपकी ट्रस्ट कर रही है वो ट्रांजेक्शन अथोराइज होनी चाहिए तीसरा ऑब्जेक्टिव जो भी इनकम एक्सपेंडिचर आपकी ट्रस्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रही है उनकी अकाउंटिंग ट्रस्ट के अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए चौथा ऑब्जेक्टिव जो अमाउंट आपकी ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई कर रही है वो ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव आपकी ट्रस्ट ने अपनी ट्रस्ट डीड में डिफाइन किया है इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए आपका ऑडिटर वॉचिंग करता है उसके बाद वो इस चीज को भी चेक करेगा कि आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अग्री कर रही हैं आपके ट्रायल बैलेंस के साथ मतलब जो आपकी ट्रायल बैलेंस पे फिगर है वही आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में आ रही है जब वो स्टेप नंबर टू परफॉर्म कर लेगा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा उसको बेस बनाकर वो अपनी रिपोर्ट को इश्यू करेगा कहाँ पे फॉर्म नंबर टेन बी में अपनी रिपोर्ट को इशू करेगा एग्जाम में यहां से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ट्रस्ट की ऑडिट होती है तो उसकी रिपोर्ट कौन से फॉर्म में इश्यू होती है फॉर्म नंबर में तो यहां से चार से लेकर पांच नंबर का क्वेश्चन बनता है उसके बाद आता है अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर आती है अंडर सेक्शन नंबर फोर्टी ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये सेक्शन कहता है कि हर एक वो पर्सन पर्सन कौन सा जो आपके इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है हर एक वो पर्सन जो इन पांच क्लोज में से किसी भी क्लोज में आएगा उसको अपनी अकाउंट्स की उसको अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी पहला क्लोज क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और अगर उसके बिजनेस की टर्न या उसके बिजनेस की ग्रोस रिसीट एक्सीड करती है एक करोड़ से तो उसको अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी लेकिन यही लिमिट एक करोड़ से बढ़कर पांच करोड़ हो जाएगी अगर ये बिजनेस दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिसीट इंक्लूडिंग उसकी सेल्स की रिसीट उसकी टर्न की रिसीट अगर इन कैश वो एक्सीड नहीं करती है पांच परसेंट ऑफ रिसीट उसके साथ साथ जो भी अमाउंट वो पे कर रहा है मतलब जो भी उसकी टोटल पेमेंट है इंक्लूडिंग जो भी खर्चे वो करता है इन कैश वो एक्सीड नहीं करते हैं ऑफ द टोटल पेमेंट अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एक करोड़ की लिमिट बढ़ के क्या हो जाएगी पांच करोड़ की लिमिट उसके बाद बी क्लोज कहता है कि हर एक वो पर्सन जो बिजनेस नहीं कैरी करता प्रोफेशन कैरी कर रहा है और उसकी प्रोफेशन से होने वाली ग्रोस रिसीट 50 लाख से ज्यादा की है तो उसको भी अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी उसके साथ-साथ कोई पर्सन बिजनेस कैरी करता है लेकिन वो कौन सा बिजनेस कैरी कर रहा है जो डिफाइंड है जो रेफर्ड है सेक्शन नंबर 44एई का 44 डबल बी का 44 ट्रिपल बी का उस केस में उसको अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी अगर वो डिक्लेअर करना चाहता है अपनी इनकम को लेसर देन द प्रिस्क्राइब इनकम अंडर द सेक्शंस मतलब जो आपकी प्रेजेंटिव टैक्सेशन वहां पे डिफाइंड है अगर उससे कम वो अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहता है तो उसको अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा पर्सन है जो प्रोफेशन कैरी कर रहा है अंडर सेक्शन फोर्टी फोर ए डी ए यह भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन का आपका सेक्शन है और वो भी लोअर इनकम का बेनिफिट क्लेम करना चाहता है उसके साथ साथ अगर उसकी इनकम एक्सीड नहीं करती है ढाई से तो इसको भी अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्लोज कि कोई पर्सन अगर एक बिजनेस कैरी करता है और वो बिजनेस कहाँ पे कवर्ड है 44 फोर एडी में कवर्ड है मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जहां पे आप अपनी इनकम अपने प्रॉफिट को कैसे डिक्लेयर करते हो 6 परसेंट या 8 परसेंट एंड वो एलिजिबल नहीं रहा है अब 44 फोर एडी के बेनिफिट के लिए क्यों एलिजिबल नहीं रहा है क्योंकि उसके ऊपर हो गया है अभी 44 AD सब 4 क्या है है अभी क्या ये कहता है, मान लो कि आप अपनी इनकम को प्रेज बेसिस पे डिक्लेयर कर रहे थे लेकिन किसी साल में आपने प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं किया उस केस में अगले पांच साल तक आपको प्रेजेंटिव का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उस केस में

दोबारा से मैं आपको समराइज कराती हूँ नंबर वन कोई भी पर्सन जिसकी बिजनेस की टर्नओवर ग्रोसरी से करती है एक करोड़ से उसको टैक्स ऑडिट करानी है ये लिमिट बढ़ के पांच करोड़ हो जाएगी अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है राइट उसके साथ साथ जब भी तुम फर्स्ट क्लोज देखोगे हमेशा देखना कि क्या वो बिजनेस 44 एडी में कवर्ड है मतलब क्या वो 44 एडी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहा है क्योंकि अगर वो 44 एडी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहा है तो उसकी लिमिट एक करोड़ से बढ़ के दो करोड़ की हो जाएगी राइट मूविंग फॉरवर्ड अगर कोई भी एसएससी है जो एक से ज्यादा बिजनेस का प्रोपराइटर है मतलब अगर उसके एक से ज्यादा बिजनेसेस तो टर्नओवर को तुम्हें मिला के देखना है ओके okay, फिर आता है ये पॉइंट कि ये जो एक करोड़ हम कैलकुलेट करेंगे दो करोड़ हम कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे जब हमें टर्न कैलकुलेट करनी है तो किन आइटम्स को हमें इंक्लूड करना है टर्न में और किन आइटम्स को हमें एक्सक्लूड करना है टर्न में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो आपको 44 AB के क्लोजिस की एप्लीकेबिलिटी आनी चाहिए और उसके लिए आपको सोल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस राइट right? तो जब आप टर्नओवर कैलकुलेट करोगे उस टाइम पे आप क्या इंक्लूड करोगे टर्नओवर में अगर कोई भी कैश डिस्काउंट दिया है या कोई भी डिस्काउंट जो इन नेचर ऑफ फाइनेंस चार्ज है वो टर्नओवर का हिस्सा बनेगा क्योंकि कैश डिस्काउंट आप देते हो अर्ली पेमेंट्स के लिए राइट कैश डिस्काउंट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो कैसे जैसे मैं अगर बोल कि आपने टर्न ओवर आपने सेल करी दस की दस के ऊपर डिस्काउंट है दस का तो डिस्काउंट कितने का बना हजार का तो अगर वो कैश डिस्काउंट है तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कैसे डालोगे आप एंट्री डालोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू तो सेल्स अकाउंट नौ हजार रुपए आप डेटर्स में डालोगे हजार रुपए आप डिस्काउंट में डालोगे और दस हजार रुपए आप सेल्स में डालोगे तो कैश डिस्काउंट आपके टर्नओवर का हिस्सा बनेगा राइट right. उसके बाद आता है टर्नओवर में क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी अगर आपने कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा आपके टर्नओवर में में ट्रेड डिस्काउंट सेल्स के इनवॉइस पे शो होता होता है है पर बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होता है. अगर यही एग्जांपल ट्रेड डिस्काउंट का होता तो एंट्री क्या पड़ती डेटर्स अकाउंट अकाउंट नो हजार रुपए नो हजार रुपए ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में आता ही नहीं है अगर कोई टर्न बेस्ड डिस्काउंट है वो भी आपकी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा अगर आपने कोई स्पेशल रिबेट दिया है विच इज इन द नेचर ऑफ डिस्काउंट ये भी आपके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा अगर आपने सेल्स करी सेल्स करने के बाद वो गुड्स वापस आ गए सेल्स रिटर्न होगी तो आप उसको अपने टर्न से बाहर निकाल दोगे भले ही वो पहले सालों की सेल है तो भी उसको आप बाहर निकाल दोगे राइट right? अगर आपने फर्नीचर बेचा राइट right? मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट की सेल करी और उस फिक्स्ड एसेट की सेल से जो सेल्स प्रोसीड आपके पास आ रही Yeah. वो कैपिटल नेचर की रिसीट है और कैपिटल नेचर की रिसीट है तो वो आपकी टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेंगी अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो एज अ इन्वेस्टमेंट हेल्ड करी है मान लो आपके पास कोई शेयर डिबेंचर या सिक्योरिटीज है वो आपकी टर्न का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन अगर वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो वो आपके टर्नओवर का हिस्सा बनेंगे इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं एक ऐसी एंटिटी हूं मैं फाइनेंसिंग एंटिटी हूं मेरा काम ही है शेयर लेना देना तो मेरे लिए वो स्टॉक हुआ तो उस केस में मेरे टर्नओवर का हिस्सा बनेगा अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माय टर्न राइट right? फिर आता है कि ये सब तो ठीक है कि भाई किसको ऑडिट करनी है क्या टर्नओवर में आएगा क्या नहीं आएगा ये ऑडिट करेगा कौन ये टैक्स ऑडिटर होगा कौन तो टैक्स ऑडिटर होगा आपका अकाउंटेंट जो डिफाइंड कहां पे है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर टू एटी एट सबसेक्शन नंबर टू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और जो कहता है कि एक सीए जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो आपका टैक्स ऑडिटर हो सकता है लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है कि कौन नहीं हो सकता टैक्स ऑडिटर यहां से आप एमसीक्यू में बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो या केस स्टडी में कैसे भी हैं तो है, है? है अपने क्लोजेस को खुद से रेफर मतलब एक बार आप इसको क्लोजिज के साथ आप उसको पढ़ लेना मैंने समरी इसलिए बनाई है क्योंकि अगर पांच से लेकर सात नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाई चांस अगर कोई पॉइंट इनकॉर्पोरेट होता है आपकी केस स्टडी में तो वो समरी से आप उसकी एप्लीकेशन फाइंड आउट कर पाओगे राइट तो यहाँ से ऐसा सच कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपको याद करने की जरूरत है सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टैक्स ऑडिटर कौन नहीं हो सकता तो सबसे पहले अगर कोई आपकी एसएससी कंपनी है मतलब जिस एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हो वो कंपनी है तो जो आपकी कंपनी का स्टेचुरी ऑडिटर नहीं बन सकता मतलब जो डिस्कालीफाइड है अंडर सेक्शन 141 फोर्टी वन, वन सबसेक्शन थ्री वो टैक्स ऑडिटर भी नहीं बन सकता अगर आप खुद अपनी ऑडिट करना चाह रहे हो मतलब क्या खुद की टैक्स ऑडिट कर सकता है? आंसर इज नो। आपकी एस एस सी फर्म है उसके पार्टनर्स उसकी ऑडिट नहीं कर सकते आपके एस एस सी एच यू एफ है एच यू एफ के मेंबर्स उसकी ऑडिट नहीं कर सकते आपकी एस एस सी ट्रस्ट है उसके इंटरेस्टेड पर्सन उसकी ऑडिट नहीं कर सकते आपकी एस एस सी ए ओ पी है उसके मेंबर्स उसकी ऑडिट नहीं, नहीं कर सकते और इन लोगों के रिलेटिव भी ऑडिट नहीं कर सकते उसके साथ साथ अगर जिस एंटिटी की या जिस ऑर्गेनाइजेशन की टैक्स ऑडिट आप करने चाह रहे हो उसका ऑफिसर उसका एम्प्लॉय उसकी ऑडिट नहीं कर सकता कोई भी पर्सन जिस जो कोई सिक्योरिटी होल्डर करता है किसी एंटिटी में वो उसकी ऑडिट नहीं कर सकता कोई पर्सन अगर इंडेटेड है या उसने गारंटी दी है सिक्योरिटी दी है किसी असेसी को तो वो आप उस असेसी की ऑडिट नहीं कर सकते या फिर अगर आपका कोई पार्टनर ने कोई सिक्योरिटी दी है या पार्टनर इंडेटेड है या पार्टनर ने गारंटी दी है उस केस में भी आप टैक्स ऑडीटर नहीं बन सकते राइट right? लेकिन अगर आपका रिलेटिव ने सिक्योरिटी होल्ड करी है अप टू वन लाख की आपके रिलेटिव ने गारंटी दी है एक लाख तक की आपका रिलेटिव है उस एंटिटी से एक लाख तक का तो आप ऑडिट कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है अगर कोई भी पर्सन जिसका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है एंटिटी के साथ तो वो पर्सन उस एंटिटी की टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता कोई भी पर्सन जो गिल्टी घोषित किया गया है बाय एनी कोर्ट फॉर अ कन्विक्शन बिकॉज़ ऑफ़ फ्रॉड मतलब उसको सजा हुई है फ्रॉड की वजह से और 10 साल अभी नहीं गुजरे हैं तो 10 साल तक वो उस कंपनी वो किसी भी एंटिटी का वहां पे क्या नहीं बन सकता टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता ठीक है तो आप एक बार इस एक्सप्लेनेशन को खुद से पढ़ सकते हो नेक्स्ट टॉपिक आता है ट इज फॉर्म ऑफ टैक्स ऑडिट अगेन एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस फॉर्म में टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट दी जाती है तो दो फॉर्म होते हैं आपके फॉर्म थ्री सी ए थ्री सी डी एंड फॉर्म थ्री सी बी एंड फॉर्म थ्री सी डी फॉर्म थ्री सी डी में

3C -B में and 3C -D में। फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट है इसकी फाइलिंग कब तक हो जानी चाहिए 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक इसकी फाइलिंग हो जानी चाहिए ऑल्दो दो प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये डेट चेंज होती रहती है फिर अगला पॉइंट आता है फिर से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन ये दोनों ही एमसीक्यू के क्वेश्चन है कि अगर किसी को टैक्स ऑडिट करानी थी उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी 30 सितंबर तक और उसने रिपोर्ट नहीं सबमिट की तो तो उसको सेक्शन नंबर 271 बी में पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी कितनी लगेगी पॉइंट ऑफ द सेल्स स्लैश टर्न या रुपीज दोनों में से जो भी लेस होगा इस पेनल्टी को आप याद करके जाओगे एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा राइट right? फिर मैं बताने वाली हूं आगे मेरी स्पीड आपको को तेज लग रही है मैंने जान के अपनी मोमेंटम को स्टार्टिंग से ही तेज रखा है क्योंकि चैप्टर बड़ा है अगर आप इस चैप्टर को समराइज करना चाहते हो तो आपको भी अपने मोमेंटम को ज्यादा रखना पड़ेगा वरना बीच में आपकी भी हिम्मत टूट जाएगी ओके सो नेक्स्ट इज चार से लेकर पांच नंबर का क्वेश्चन क्या कि जब भी आपका टैक्स ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उसको किन किन चीजों को कंसिडर करना है किन किन चीजों को उसको ध्यान में रखना है नंबर वन देखो अगर कोई आइटम ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर एक से ज्यादा जगह दिखाई दे रहा है आ रहा है उस केस में आपके टैक्स ऑडिटर को इंश्योर करनी है सुटेबल क्रॉस रेफरेंस दूसरी चीज अगर आपके टैक्स ऑडिटर के बीच में और आपके क्लाइंट के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उस केस में आपके टैक्स ऑडिटर को इंश्योर करना है कि वो अपने ओपिनियन को और आपके क्लाइंट के ओपिनियन को दोनों ही ओपिनियन को रिपोर्ट में इंक्लूड करें ताकि अल्टीमेटली जो आपकी टैक्स अथॉरिटी है वो अपना डिसीजन ले सके तीसरी चीज अगर कोई भी टैक्स ऑडिट का कोई क्लोज है जो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस में आपको वहां पे एन ए लिखना है चौथी चीज आपके टैक्स ऑडिटर को इंश्योर करना है कि जब भी वो अलाउंसिस और डिस अलाउंसेज की कंप्यूटेशन करेगा मतलब जब भी वो ये देखेगा कि मेरी एंटिटी को मेरे एस को कौन सा खर्चा अलाउड है कौन सा डिसअलाउड है तो अगर कोई लॉ में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है तो उसको उस अमेंडमेंट को कंसिडर करना है क्योंकि कई बार ऐसा होगा फॉर्म थ्री सी में अमेंडमेंट नहीं होगी उस सिचुएशन में भी जो लेटेस्ट लॉ के अमेंडमेंट है उसको कंसिडर करना है और अगर जो आपके क्लाइंट ने आपको पर्टिकुलर्स दिए हैं वो इनकम्प्लीट है या कोई सी क्लोज में कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो आपका टैक्स ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को विदहेल्ड नहीं कर सकता इस बेसिस पे रादर वो क्या कर सकता है वो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है राइट right? उसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म थ्री सी में जाएगी वो इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड के बेसिस पे होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो टैक्स ऑडिट करेगा चार से लेकर पांच नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्शन नंबर 145 सेक्शन नंबर 145 टॉक्स अबाउट मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीन सब सेक्शन है इस सेक्शन के कितने सब सेक्शन है तीन पहला कहता है जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए पहला कहता है कि जो भी अगर कोई भी आप इनकल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो जो इनकम चार्जेबल है अंडर दी हेड पीजीबीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उस केस में उस इनकम की कंप्यूटेशन या तो तुम मर्चेंटाइल बेसिस पे करो या तो तुम कैश बेसिस पे करो मर्चेंटाइल बेसिस का मतलब अक्रूवल बेसिस पे 145 फोर्टी फाइव सबसेक्शन नंबर टू कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्कलोजर स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब कर सकती है और उसने प्रिस्क्राइब

अब चलते हैं आपके क्लोजिस की ओर आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं मैं दोबारा से नहीं दोबारा से रिवाइज नहीं कराऊंगी क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो नॉर्मली मुझे आदत है फिर से वापस जाके शुरू होने की ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू योर क्लोजेस फॉर्म थ्री सी डी के पर्टिकुलर्स फॉर्म थ्री सी डी में टोटल नंबर ऑफ क्लोजेज हम कितने पढ़ने वाले हैं फोर्टी फोर क्लोजेज पढ़ने वाले हैं और आपका पहला पार्ट क्या है पार्ट ए और पार्ट ए में कितने क्लोजेज हैं आठ सही बोलूं तो नो है एट ए को मिला के ये एस एग्जाम के परस्पेक्टिव से पूरे के पूरे आठ क्लोजे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से भी अगर आपको कुछ याद रखना है तो क्लोज नंबर आप 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 याद याद रखो आप याद रखो नंबर नंबर राइट ए क्या कहता है कि आप का नाम दोगे जिसकी आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो क्लोज नंबर बी कहता है आप एड्रेस दो फिर आप उसका पैन नंबर दो क्लोज नंबर फोर कहता है कि अगर आपके एस को इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करने हैं तो जैसे कि एक्साइज ड्यूटी होगी

ऑफ सेक्शन नंबर 44 AB, is, क्या ए बी सी डी e. इनमें से किस क्लोज की वजह से एप्लीकेबिलिटी आ रही है उस क्लोज को आपको यहां पे रेफर करना है एटी कहता है क्या आपके एस एस ने इन किसी भी सेक्शन के अंदर टैक्सेशन को ऑप्ट किया है किया है तो यहां पे बता दो इस पर्टिकुलर पार्ट नंबर ए में इंपोर्टेंट क्लोज क्या है फोर और एट फोर में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके एस को इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है तो उसने जीएसटी नंबर लिया होगा उस नंबर को बताओ एट कहता है कि किस वजह से कौन से आपके किस सेक्शन नंबर फोर्टी फोर एबी के किस क्लोज की वजह से एप्लीकेबिलिटी आ रही है टैक्स ऑडिट की आप ये बताओ गिव मी टू मिनट टू पुट इट ऑन द चार्जर ओके मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर दैट इज पार्ट नंबर बी अब अव के शुरू होते हैं इंपॉर्टेंट क्लोजेस क्लोज नंबर नाइन कहता है कि अगर तुम्हारा एस है ए या फिर पार्टनर्स तो तुम इंडिकेट करो क्या नेम ऑफ पार्टनर्स और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और अगर इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज आया है एज कंपेरिजन टू द प्रिस ईयर तो आपको उस चेंज के पर्टिकुलर्स बताने हैं तो क्लोज नंबर नाइन किसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ ए के ऊपर और पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर क्लोज नंबर टेन कहता है कि आपको अपने नेचर बताना है अपने बिजनेस का और आपके प्रोफेशन का नेचर और अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस है एक से ज्यादा प्रोफेशन है उस केस में आपको हर एक बिजनेस के नेचर को बताना है हर एक बिजनेस हर एक प्रोफेशन के नेचर को बताना है और अगर इस बिजनेस के नेचर में इस प्रोफेशन के नेचर में कोई भी चेंज आया है तो आपको उस चेंज के पर्टिकुलर्स भी बताने हैं क्लोज नंबर इलेवन कहता है कि अगर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती हैं एज पर सेक्शन नंबर फोर्टी फोर डबल ए जैसे कि आर्टिस्ट एक्टर्स हो गए राइट तो क्या आपको आप उन बुक्स ऑफ अकाउंट को एज पर सेक्शन मेंटेन कर रहे हो हाँ या ना आपको बतानी है उसके साथ साथ आप एक लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बताओ आप कौन सी मेंटेन कर रहे हो किस जगह पे आपने उसको मेंटेन किया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन कर रहे हो मेंटेन कर रहे हो उसके साथ साथ लिस्ट कौन सी है जो आपने लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट

12 में करोगे राइट क्लोज नंबर थर्टीन इंपोर्टेंट क्लोज है क्या कहता है ये 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 कहता है है कि आप मुझे सबसे पहले बताओ, आपका method of accounting, कौन सा आपने किया प्रीवियस ईयर में अभी हमने हमने 145 देखा, पे क्या बोला दो मेथड हो सकते हैं तो मर्चेंटाइल या तो कैश कैश बेसिस तो आपने कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग इम्प्लॉय किया है दूसरी चीज आप ये रिपोर्ट करो कि ये जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने इस प्रीवियस ईयर में इंप्लॉय किया था और जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपने पिछले ईयर में इंप्लॉय किया था क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है अगर है तो आप मुझे बताओ कि उस डिफरेंस की वजह से क्या आपके प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ कितना आपके प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ आप उस चेंज के पर्टिकुलर्स आपको वहां पे देने पड़ेंगे उसके साथ साथ जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपका सेक्शन नंबर 145 कहता है इम्प्लॉय करने को और जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपकी एंटिटी ने इम्प्लॉय किया है अगर उन दोनों के बीच में डेविएशन है डिफरेंस है तो आपको उस डिफरेंस को बताना पड़ेगा उसके पर्टिकुलर्स को बताना पड़ेगा और उस डिफरेंस का इफेक्ट क्या पड़ रहा है आपके प्रॉफिट या लॉस पे आपको ये बताना पड़ेगा मतलब आपको देने पड़ेगी कि, कि किस आईसीडीएस में डिफरेंस है उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ प्रॉफिट कितना डिक्रीज हुआ और आपका नेट इफेक्ट कितना पड़ा राइट right. उसके बाद आता है क्लोज नंबर फोर्टीन ये भी इंपॉर्टेंट है थर्टीन क्लोज इंपॉर्टेंट है क्लोज नंबर फोर्टीन इंपॉर्टेंट है ऊपर बोलूँ तो क्लोज नंबर नाइन इंपॉर्टेंट है राइट क्लोज नंबर फोर्टीन कहता है कि आप बताओ कि आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड फॉलो करते हो मतलब अपने जब अपने प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करें तो कौन सा आपने मेथड फॉलो किया उसके साथ साथ जो सेक्शन नंबर 145 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है वो किस मेथड को प्रिस्क्राइब करता है फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और जो मेथड आपने फॉलो किया और जो आपके सेक्शन नंबर 145 ए में है क्या दोनों के बीच में बताओ उसके साथ साथ ये बताओ इस डेविएशन की वजह से आपके प्रॉफिट कितने इंक्रीज हुए और आपके प्रॉफिट कितने डिक्रीज हुए इसकी रिपोर्टिंग आप कहा क्या कहता है ये कहता है क्या तुम इस प्रीवियस ईयर में तुमने अपने किसी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में मतलब जो तुम्हारा कैपिटल एसेट था क्या तुमने अब उसको अपना स्टॉक बना लिया क्योंकि अगर ऐसा है तो इनकम टैक्स एक्ट में इसको ट्रांसफर माना जाता है कैपिटल गेन इसके ऊपर होते हैं तो अगर तुमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है आप कहते हो किया है तो किया है तो उस कैपिटल एसेट की हमें डिस्क्रिप्शन बताओ उस एसेट को तुमने किस डेट पे एक्वायर किया ये बताओ किस कॉस्ट पे तुमने उस एसेट को किया। ये बताओ उसके साथ साथ किस अमाउंट के ऊपर तुमने उस कैपिटल एसेट को अपने स्टॉक में चेंज किया ये बताओ राइट तो ये था आपका क्लोज नंबर फिफ्टींथ फिर से बता देती हूं क्लोज नंबर एट इंपोर्टेंट है फोर इंपोर्टेंट है एट इंपोर्टेंट है नाइन इंपोर्टेंट है थर्टींथ इंपोर्टेंट है फोर्टीन इंपोर्टेंट है फिफ्टींथ भी आप कह सकते हो इंपोर्टेंट है राइट मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्लोज मेरा बहुत दिल कर रहा है वापस से जाऊं पीछे फिर से पढ़ाऊं लेकिन इतना बड़ा है ये तो ये क्लास लंबी हो जाएगी और अगर आप इस क्लास को एक दो बार देखोगे ना ट्रस्ट भी अगर आप सोच रहे हो कि मुझे तीन घंटे में टैक्स ऑडिट खत्म करनी है तो एक बार ये क्लास डेढ़ घंटे की हो गया I think, maximum. की हो गया आई थिंक मैक्सिमम उससे ज्यादा की एक्सटेंड नहीं होगी जिस स्पीड से मैं बोल रही हूँ दो बार अगर आप इस क्लास को देख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तीन बार आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो तो इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करो अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए क्रेडिट करना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर आपने उस अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपको क्लोज नंबर में उसको दिखाना पड़ेगा मतलब कोई ऐसा अमाउंट जो सेक्शन नंबर ट्वेंटी एट में आता था मतलब पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है आपको उसको पी में दिखाना चाहिए था पर आपने नहीं दिखाया तो आपको इसकी इस क्लोज में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी या कोई आपको क्रेडिट मिला है कोई बैक मिला है कोई रिफंड मिला है कस्टम ड्यूटी का एक्साइज ड्यूटी का सर्विस टैक्स का और वो ऐसा रिफंड है जो एडमिट कर लिया है आपकी अथॉरिटीज ने पर आपने उसको पी अकाउंट में नहीं दिखाया तो आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी लेकिन यहां पे रिपोर्ट मतलब नोट करने वाली बात क्या है अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते हो कैश बेसिस पे तो उस केस में भले ही इस अमाउंट को आपकी टैक्स अथॉरिटी ने उसको एडमिट कर भी लिया है तो भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्रेडिट करना क्रेडिट आप नहीं करोगे और उसकी रिपोर्टिंग आपको करने की नीड नहीं है दोबारा से बोलते हूँ देखो अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो किससे रिलेट करता है ड्रॉबैक से रिफंड से ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम टैक्स सर्विस टैक्स किसी भी चीज का आपको रिफंड आया है आपको वे ऐसा रिफंड है जो आपकी अथॉरिटी ने भी एडमिट कर लिया वो मान चुके हैं इस बात को कि हमें देना है ये रिफंड ठीक है तो आपको इसको अपनी इनकम मानना है अपने पी एल के क्रेडिट में लेकर जाना है लेकिन अगर आप नहीं लेके गए तो यहां पे आपकी रिपोर्टिंग होगी, राइट लेकिन अगर आप एक ऐसे एस एस सी हो जो आप अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैश बेसिस पे बनाते हो तो आप, पे तो आप इनकम तब मानोगे जब आपको पैसा मिल गया यहां पे आपको पैसा मिला नहीं है यहां पे सिर्फ अक्रू हुआ है तो उस केस में अगर आप अपनी बुक्स को कैश बेसिस पे बनाते हो और आपने इस पैसे को नहीं क्रेडिट किया है तो भी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी राइट right? अगर कोई एस्केलेशन क्लेम का अमाउंट है तो उसको भी आप अपनी पेंडल में लेके जाते हो अगर नहीं लेके गए तो उसको आप क्या दिखाओगे क्लोज नंबर सिक्सटीन में दिखाओगे कोई एनी अदर टाइप ऑफ इनकम है या फिर कोई कैपिटल रिसीट है तो भी आप क्लोज नंबर सिक्सटीन में उसकी रिपोर्टिंग करोगे राइट मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर सेवनटीन दिस इज अगेन आ इम्पोर्टेंट क्लोज ये कहता है क्या आपने क्या आपने इस प्रीवियस ईयर में कोई भी लैंड कोई भी बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर करी मतलब क्या आपने कोई लैंड कोई बिल्डिंग या बोथ ट्रांसफर करी आपने बोला मतलब एस ऐस एस कह रहा हां मैंने करी ट्रांसफर क्या जिस कंसिडरेशन पे आपने उस लैंड को उस बिल्डिंग को ट्रांसफर किया वो लेस देन है है ड्यूटी वैल्यू आप कह रहे हो कम है, तो आपको इस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कहां पे डिफाइंड है सेक्शन नंबर फोर्टी थ्री सी एंड सेक्शन नंबर फिफ्टी सी राइट मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर एटीन ये बात करता है डेप्रिसिएशन के बारे में किसकी बात करता है डेप्रिसिएशन के बारे में ये कहता है हम तुमसे क्या मांगेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ दी डेप्रिसिएशन जो तुम्हारा इनकम टैक्स अलाउ करता है तो तुम किन-किन चीजों की डिस्क्रिप्शन दोगे तुम बताओगे एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है सबसे पहले किस रेट से तुम डेप्रिसिएशन लगा रहे हो ये बताओगे उसके साथ-साथ उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी क्या है ये बताओगे अगर ड्यूरिंग द ईयर उस एसेट के अंदर कोई भी एडिशन या डिडक्शन हुई है किस वजह से हुई है मान लो आपको आईटीसी अभी तो इनकम टैक्स सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट है पहले क्या था सैनवेट राइट right? अगर आपको कोई क्रेडिट आ रहा है उसकी वजह से अगर आपकी उसमें एडिशन डिलीशन हो रही है तो आप उसको भी यहाँ पे शो करोगे या फिर आपने एसेट बाहर से मंगवाया था आपके करेंसी रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ एडिशन डिलीशन हो रही है उसको शो करोगे या आपको आपको अपने एसेट बाय किया बट आपको कोई सब्सिडी मिलगी सब्सिडी मिलगी या फिर कोई भी ग्रांट या री एम्बर्समेंट मिलगी तो उससे आपके एसेट की कॉस्ट कम हो जाती है तो उसको भी आप यहां पे शो करोगे डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स में अलाउेबल कितनी है वो बताओगे और डेप्रीसिएशन देने के बाद उस एसेट की डब्ल्यूडीवी कितनी बची वो बताओगे ठीक है तो क्लोज नंबर एट में डेप्रीसिएशन की बात होगी ब्लॉक कितना है रेट कितना है एक्चुअल कॉस्ट कितनी है एडिशन डिलीशन कितनी हुई डेप्रिसिएशन अलाउेबल कितनी है डब्ल्यू

राइट right, तो आपको ये रिपोर्टिंग करनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नो क्वेश्चन यू कैन इजीली लीव दिस राइट फिर आता है क्लोज नंबर 20th दिस इज इम्पोर्टेंट क्लोज इसका ए पार्ट कहता है क्या एसएससी तुमने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी सम पे किया है अपने एम्प्लॉई को एज अ बोनस एज अ कमीशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड कहता हां मैंने किया है क्या ये सम ऐसा था जो आपको अदरवाइज एज अ प्रॉफिट और डिविडेंड पे करना चाहिए था सेक्शन लगता है यहाँ पे थर्टी सिक्स सेक्शन वन का क्लोज नंबर टू ये कहाँ पे है इनकम टैक्स का मतलब जहां पे तुमने अपने इंप्लॉय को एज अ बोनस एज अ कमीशन कोई पैसा दिया है जो देना कैसे चाहिए था एज अ डिविडेंट या एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो उसको तुम्हारी क्योंकि होगा क्या अगर तुम अपने इंप्लॉय को ये अगर तुम डिविडेंड बांटोगे तो तुम्हें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा लेकिन अगर तुम अपने इंप्लॉयज को इसी पैसे को एज अ बोनस एज अ कमीशन दे दोगे तो ये खर्चा है तुम्हारे पी एंड एल में आएगा तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कम होगी जिससे तुम्हारे प्रॉफिट कम होगी तो यहां पे कह रहा है कि क्या ऐसा कोई सम जो तुम्हें अदरवाइज एज देना चाहिए था बट तुमने कैसे दिया उसको commission. दिया है तुम कह रहे हो दिया है, दिया है है तो यहां पे आएगा उसके साथ साथ जो तुम अपनी इंप्लॉय से कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हो पी के नाम पर ग्रेचुटी के नाम पर उस कॉन्ट्रीब्यूशन की डिटेल तुम्हें यहां पे देनी पड़ती है कि तुमने कौन कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव की है इंप्लॉइज राइट right? इस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग जाएगी कि कौन से फंड का नेचर है मतलब पी एफ है कौन सा ग्रेचुअटी फंड, फंड है कौन सा फंड है कितना सम तुमने अपने इंप्लॉइज से रिसीव किया क्या ड्यू डेट है पेमेंट की एक्चुअल अमाउंट कितना पे हुआ और किस डेट पर तुमने इस अमाउंट को अथॉरिटीज को डिपोजिट कराया है राइट मूविंग फोर्वर्ड टू क्लोज नंबर ट्वेंटी वन मतलब दिस इज अंपोर्टेंट क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज राइट क्लोज नंबर 21 में सबसे पहले तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ती है कि तुमने कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कितने पर्सनल नेचर के एक्सपेंडिचर को कितने एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर को पी एंड एल में डेबिट किया राइट right? कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना पर्सनल एक्सपेंडिचर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस वाले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो तुमने किया जो किससे रिलेट करता था किसी सोविनियर से कोई ब्रोशर बांटा उससे कोई ट्रैक्ट कोई पेम्पलेट बांटा या फिर कोई लाइक मटीरियल मतलब ऐसा ही कोई और मटीरियल बांटा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड उसके ऊपर खर्चा किया और ये खर्चा किसने किया है पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो यहां पे आएगा राइट right? अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने किया है तो नहीं आएगा okay? आगे कहता है कि अगर तुमने क्लब की सब्सक्रिप्शन के लिए एंट्रेंस फी पे कर दी या कोई सब्सक्रिप्शन फी पे करी तो यहां पे आएगा उसके साथ साथ अगर कोई तुमने क्लब की सर्विस तुम यूज कर रहे हो उसकी फैसिलिटी तुम यूज कर रहे हो उसके लिए कोई कॉस्ट पे कर रहे हो तो यहां पे आएगी किसी लॉ का किसी रेगुलेशन का नॉन कम्प्लायंस किया उस नॉन कंप्लायंस की वजह से तुम्हें तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगी तुम्हारे ऊपर फाइन लगा वो एक्सपेंडिचर तुम यहां पे बताओगे ठीक है या कोई और पेनल्टी तुमने पे करी जो ऊपर वाले अमाउंट से इससे रिलेटेड नहीं है इसके अलावा कोई पे करी वो तुम यहां पे बताओगे या कोई और ऑफेंस तुमने किया जो प्रोहिबिटेड था बाय लो और उस ऑफेंस को करने के लिए यू हैव इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर तो ये भी यहां पे शो होगा राइट right, तो यहां पे आपको इन सारे एक्सपेंडिचर की डिटेल देनी है ट्वेंटी में ओके बी पॉइंट कहता है दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड गिव मी टू मिनट्स यार ठीक है सो क्लोज नंबर ट्वेंटी वन बी में आपको क्या रिपोर्टिंग करनी है देखो दो रिपोर्टिंग होगी फोर्टी ए सबसे पहले आपको क्या रिपोर्ट करना है फोर्टी ए आई ठीक है दूसरा सेक्शन आता है फोर्टी ए आई ए सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई सम तुमने पे किया है किसको नॉन रेजिडेंट को जो आउटसाइड इंडिया है या एनआर जो इंडिया में है ठीक है तो उस केस में अरे यार रुको दो सेकंड तो उस केस में तुम्हें क्या करना है टीडीएस काटना है ठीक है अगर तुमने टी नहीं काटा टीडीएस नॉट डिडक्टेड राइट दूसरा टी डी एस काटा पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया नॉट डिपॉजिटेड मतलब नॉट डिपॉजिटेड या फिर यहाँ पे तुमने पेमेंट किसको करी किसी रेजिडेंट को लेकिन टी डी एस नहीं काटा काटा पर गवर्नमेंट को नहीं डिपॉजिट किया तो इन आइदर सिचुएशन आपको रिपोर्ट करनी है तो ये कह रहा है कि कोई भी अमाउंट जो रेफर्ड है सब क्लोज वन में ठीक है तो उस, के, क्ले, उस केस में आपने पेमेंट किसको करी है NR को आपको दो चीज़ों की रिपोर्ट देनी पड़ेगी कौन सा कि आपको कितने अमाउंट पे आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया मतलब टैक्स नहीं काटा आपने बी में बताना है कि काटा बट उसको आपने गवर्नमेंट को टाइम पे नहीं डिपॉजिट किया आपको डिटेल देनी पड़ेगी क्या 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 डेट थी पेमेंट की कितना अमाउंट था पेमेंट का किस नेचर की पेमेंट थी नेम और एड्रेस ऑफ द पे जिसको पे किया उसका नाम उसका एड्रेस इन द सेम वे यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट क्या थी अमाउंट कितना पे किया आपने नेचर क्या था पेमेंट का नेम एड्रेस ऑफ द पे एंड अमाउंट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ऐड की हुई यहाँ पे आप टैक्स तो डिडक्ट कर चुके हो टी डी एस हैज बिन डिडक्टेड बट आपने डिपोजिट नहीं किया है right? राइट उसके बाद कहता है कि जो पेमेंट रेफर्ड है कहाँ पे फोर्टी ए आई ए में जहां पे आप रेजिडेंट को पे कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ये डिटेल्स देनी है कौन कौन सी नंबर वन पहली अगर आपने टैक्स नहीं काटा मतलब टी डी एस इज नॉट डिडक्टेड उस केस में आपको बताना है डेट ऑफ पेमेंट क्या है अमाउंट कितना था कितना आपने उसको पे किया किस नेचर की पेमेंट थी उसका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पे जस्ट लाइक अब अगर आपने टाइम पे डिपोजिट नहीं किया मतलब बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने नहीं उसको डिपोजिट किया तो बताओ डेट ऑफ पेमेंट क्या थी अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या था नेचर ऑफ पेमेंट कितना था नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेयर कितना था एंड अमाउंट ऑफ द टैक्स डिपोजिटेड लेकिन उस पर आपने मतलब कितना अमाउंट आपने टी डी एस काटा बट उसको डिपोजिट नहीं करवाया ये ओके okay? उसके बाद ये वाले क्लोजिज आप छोड़ सकते हो कोई वो नहीं है अगर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पूछा जाता है ट्वेंटी वन से इनफैक्ट जो पूरा का पूरा ट्वेंटी वन है वही इंपॉर्टेंट है तो इससे पहले दो वाले क्लोजेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा मूविंग फॉरवर्ड टू ट्वेंटी वन सी ये कहता है क्या कोई ऐसा अमाउंट है जो आपने डेबिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बीइंग इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन या रेम्यूनेशन अंडर सेक्शन फोर्टी बी और फोर्टी फोर बी ए सेक्शन फोर्टी बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप मतलब आपका रिस्ट्रिक्शन लगाता है सेक्शन नंबर बी कि कितने अमाउंट तक आप अपने पार्टनर को सैलरी दे सकते हो कितने अमाउंट तक आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो और कहता है ये सेक्शन कि अगर आप बारह परसेंट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो वो इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर है राइट उसके साथ साथ अगर अगर आप सैलरी दे रहे हो इन एक्सेस ऑफ दी

ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार आरटीपी में इस वाले क्लोज से क्वेश्चन है राइट right? फिर आता है क्लोज नंबर ट्वेंटी कहता है कि क्या आपकी कोई भी इनकम आपने डीम्ड इनकम मानी है अंडर सेक्शन फोर्टी ए थ्री या फिर फोर्टी ए थ्री ए आपको दोनों सेक्शन समझने पड़ेंगे पहले देखो फोर्टी ए थ्री कहता है ये सेक्शन आपके ऊपर एक लिमिट लगाता है कि आप दस हजार रुपए से ज्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते अगर अकाउंट पे ही चेक है तो आप इसको पैंतीस हज़ार रुपये से अकाउंट uh, पे ही करिए प्लाइंग हायरिंग वाला बिजनेस है तो पैंतीस हज़ार रुपये से ज़्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते इन अ सिंगल डे राइट तो अगर आपने पेमेंट करी है तो उसको हम आपकी डीम्ड इनकम मान लेंगे उसके बाद फोटी ए कहता है कि मान लो आपने आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो अक्रूवल बेसिस पे आपने अक्रूवल बेसिस पे खर्चा बुक कर लिया लेकिन बाद में जाकर आपने पेमेंट कैश बेसिस पे कर दी राइट और वो कैश का अमाउंट दस हज़ार या पैंतीस हज़ार से ज़्यादा है तो उस केस में वो खर्चा डिसअलाव हो जाता है उसको हम डीम्ड इनकम मान लेते हैं तो आपको ए में फोर्टी ए थ्री वाले एक्सपेंडिचर को बताना है और बी में 483 ए में जिसको आपने डिम्ड इनकम माना है उसको बताना है राइट फिर आता है क्लोज नंबर 21 ई ई एफ जी एच ई एफ जी इनको आप छोड़ सकते हो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एच इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एमसीक्यू में क्वेश्चन है ई e क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी पेमेंट करी है ग्रेचुअटी फंड में जो अलाउड नहीं है सेक्शन फोर्टी ए सब सेक्शन में ये अनअप्रूव्ड ग्रेचुअटी फंड में अगर आप कोई पेमेंट करते हो हो तो तो वो डिसअलाउ जाती है है तो है उसको आपको पे शो करना ठीक या आपके एस ने कोई सम पे किया है एज एन एम्प्लॉयर जो अलाउड नहीं है सेक्शन फोर्टी ए सब सेक्शन सबसे में तो ये भी डिसअलाउ हो जाता है उसके साथ साथ कोई लाइबिलिटी है जो कंटिजनेंट नेचर की है उसको आपको यहाँ पे शो करना है आप इन क्लोजिज को छोड़ सकते हो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे एक क्वेश्चन है एम में इसको मैं बता देती हूँ देखो सेक्शन फोर्टी ए क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता जैसे कि एग्रीकल्चर की इनकम अगर उस इनकम को कमाने के लिए आपने कोई खर्चा किया तो वो खर्चा भी एडमिसेबल नहीं होता ऐसा सेक्शन नंबर फोर्टी ए कहता है तो अगर कोई डिडक्शन जो ऐसी है जो आप मांग रहे हो एक ऐसे इनकम के ऊपर जो एग्जाम है इनकम टैक्स में जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है तो वो इनएडमिसेबल है आपको यहाँ पे उसको रिपोर्टिंग करनी है उसके बाद ट्वेंटी आई क्या कहता है कि अगर कोई खर्चा इनएडमिसेबल है अंडर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 361 सिक्स 3 ये समझो क्या है कि आपने मान लो कोई एसेट बाई किया उस एसेट को आपने वो इ, उस एसेट को आपने लोन लेकर बाई किया तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को, आप आप को, को आपको कैपिटलाइज्ड करना है तो अगर आपने कैपिटलाइज्ड ना करके उसको पी एल में डाल दे तो वो इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर है तो वो चीज आपको यहां पे शो करनी है ओके तो ये था आपका क्लोज नंबर ट्वेंटी वन वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज एक ये क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोज नंबर थर्टी वन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही क्लोज close बड़े क्लोजिज हैं राइट मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर ट्वेंटी टू कहता है अगर कोई अमाउंट इट इन एडमिसिबल है अंडर सेक्शन ट्वेंटी थ्री ऑफ एम एस एम ई एक्ट मतलब सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री कहता है कि आपने अगर अपने बायर को कोई भी इंटरेस्ट पे किया है मतलब आपने किसी से सामान लिया अपने बायर को नहीं आप किसी के बाहर हो आपने किसी से सामान लिया और सामान क्रेडिट पे लिया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन नहीं मिलती है इनकम टैक्स में वो इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है क्लोज नंबर ट्वेंटी में राइट क्लोज नंबर ट्वेंटी कहता है कि अगर आपने अपनी स्पेसिफाइड पर्सन को जो सेक्शन नंबर फोर्टी ए सब सेक्शन नंबर टू में है उसको कोई पेमेंट करिए तो आप यहाँ पे बताओगे क्लोज नंबर ट्वेंटी क्लोज नंबर ट्वेंटी फोर कहता है कि कोई भी प्रॉफिट और गेन अगर थर्टी टू ए सी का है जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है स्पेसिफाइड बिजनेसिस वाले ये सेक्शंस है अगर यहां पे क्या है आपको स्पेशल टाइप की डिडक्शंस मिलती है अगर ऐसी कोई डिडक्शन है जिसको आपने डीम्ड प्रॉफिट एंड गेन मानना है इस वाले सेक्शंस में तो उसकी रिपोर्टिंग होगी क्लोज नंबर ट्वेंटी फोर में क्लोज नंबर ट्वेंटी थ्री वन सेकेंड नॉट इंपोर्टेंट ट्वेंटी फोर नॉट इंपोर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ट्वेंटी टू भी नॉट इम्पोर्टेंट ठीक है ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी फाइव अगेन नॉट इम्पोर्टेंट ये कहता है कि मान लो कि कोई आपके पहले बेड डेड हो गए और फिर बाद में वो बेड डेट रिकवर्ड हो गए तो पहले बेडेड हो गए फिर उसके बाद वो रिकवर्ड हो गए या पहले कोई खर्चा था जो बाद में आपको उसका अलाउंस uh, मिल गया या रिम्बर्समेंट मिल गई तो उसको आप डीम्ड इनकम मान लेते हो अंडर सेक्शन नंबर फोर्टी वन तो ये भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है अगेन नॉट इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर क्लोज नंबर ट्वेंटी सिक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बात करते हैं सेक्शन नंबर फोर्टी थ्री बी की फोर्टी थ्री बी ऑफ इनकम टैक्स कहता है कि कुछ ऐसे खर्चे जो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होंगे राइट आपको दो क्लोज में इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है नंबर वन में आप कैसे कौन कैसे कौन से खर्चों की रिपोर्टिंग करोगे मान लो कि जो खर्चे आपका साल शुरू हुआ प्रीवियस ईयर शुरू हुआ और जो आपके बिगिनिंग में एग्जिस्ट करते थे खर्चे राइट सो दोज एक्सपेंसिस विच वर प्री एग्जिस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर लेकिन उनको आपने अलाउ नहीं किया है इन दी असेसमेंट ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कहते हैं पहले उनको अलाउ नहीं किया इस प्रीवियस ईयर में वो एग्जिस्ट करते थे और अगर आपने उनको इस प्रीवियस ईयर में पे कर दिया है तो आप बताओगे नहीं पे किया है तो आप बताओगे मतलब चाहे पे किया चाहे नहीं पे किया पहले से एग्जिस्ट करते हैं वो खर्चे तो आप बताओगे या फिर जो खर्चे आप ने इस साल में इनकर किए हैं इस प्रीवियस ईयर में और आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न उससे पहले ही इसी साल में पे करती है तो आप बताओगे अगर आप नहीं पे कर पाए हो तो आप बताओगे ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज क्लोज नंबर ट्वेंटी सेवन टॉक्स अबाउट कोई भी अगर आपका सेंडवेट का या जीएसटी का क्रेडिट है जो आपने अवेल किया या यूटिलाइज किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और आपकी ट्रीटमेंट क्या है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर आपका कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये आप यहां पे बताओगे उसके साथ साथ अगर आपने कोई इनकम एक्सपेंडिचर जो पिछले सालों से रिलेट करता है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया है आपको इस क्लोज में रिपोर्टिंग देनी पड़ती है अगेन नोट दैट इंपोर्टेंट क्लोज नंबर ट्वेंटी एट इरेवेंट विद इफेक्ट फ्रॉम एक अप्रैल दो मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर ट्वेंटी क्लोज नंबर ट्वेंटी क्लोज नंबर ट्वेंटी ए क्लोज नंबर ट्वेंटी नाइन बी इन तीन क्लोज को पढ़ने से पहले आप इनकम टैक्स की बुक खोलकर कुछ सेक्शंस पढ़ोगे एक फिफ्टी सिक्स सेक्शन नंबर फिफ्टी सिक्स का सब सेक्शन नंबर टू का क्लोज नंबर सेवन बी ट्वेंटी नाइन ए पढ़ने से पहले सेक्शन नंबर फिफ्टी सिक्स के सेक्श सब सेक्शन नंबर टू के क्लोज नंबर नाइन और क्लोज नंबर टेन मतलब फिफ्टी सिक्स टू टेन ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है आप को ये टिप्स पे सेक्शन क्या कहते है। तब ही आप इन क्लोजेस को समझ पाओगे ठीक है क्लोज नंबर ट्वेंटी नाइन क्या कहता है क्लोज ये, ये कहता है वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या पिछले साल मतलब जो भी आपका पिछले साल नहीं जो भी आपका प्रीवियस ईयर है आपके एस ने कोई भी कंसिडरेशन रिसीव करी है फॉर द इशू ऑफ शेयर्स मतलब आपके एस ने शेयर इशू करे और शेयर इशू करने से उसको कोई कंसीडरेशन मिली और वो कंसिडरेशन का अमाउंट एक्सीड करता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स सिंपल सी बात है इशू प्राइस ज्यादा है आपकी मार्केट वैल्यू से राइट एज रेफर्ड अंडर सेक्शन नंबर फिफ्टी सिक्स सब सेक्शन नंबर टू के क्लोज नंबर सेवन बी में अगर है तो डिटेल बताओ क्लोज नंबर ट्वेंटी उसके बाद क्लोज नंबर ट्वेंटी क्या कोई भी इनकम तुमने प्रीवियस ईयर में इनकम फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में बुक करी है बिकॉज ओ फिफ्टी सिक्स टू ये एडवांस फॉरफिट होता तब की बात हो रही है ठीक है तो कोई भी तुमने एज अमाउंट रिसीव किया था एज एडवांस तो क्या तुमने इसको अपनी इनकम बनाया है तो उसकी डिटेल्स देनी है अगेन आई एम इफ यू टू अंडरस्टैंड दिस यू विल हैव टू रीड दिस अदरवाइज आप याद कर लो कि क्या बोल रहा है ठीक है क्योंकि इतना इन डेप्थ कोई आपसे सेक्शन की नॉलेज नहीं पूछेगा अगर आपको याद भी है तो भी चल जाएगा ये इसमें क्या है कि कोई एडवांस था आप आपको किसी ने एडवांस दिया कैपिटल एसेट को बाय करने के लिए बाद में वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाई और वो एडवांस फॉरफिट हो गया तो उसको आपकी डीम्ड इनकम मान लिया जाता है उसको आपकी इनकम मान लिया जाता है तो वो यहां पे चार्जेबल होती है अंडर द इनकम फ्रॉम अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्वेंटी नाइन बी कहता है क्या कोई भी ऐसा इनकम आपने मानी है अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विद फ्रॉम दी सेक्शन मतलब जो जिसकी चार्जेबिलिटी कौन से सेक्शन से आ रही है फिफ्टी सिक्स सेक्शन टू का क्लोज नंबर टेन अगर है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है सेक्शन तो मैं डिस्कस कर ही नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने के लिए सो आई वुड वॉन्ट यू टू रीड दिस सेक्शन ऑन योर ओन राइट मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर थर्टी थर्टी ए देखो थर्टी ए को समझना है तो आपको 92 टू सी आना चाहिए ठीक है इंटरनेशनल टैक्सेशन का और थर्टी बी को समझना है तो नाइनटी फोर बी आना चाहिए अच्छा और थर्टी सी को समझना है तो नाइन्टी सिक्स आना चाहिए अगर ना आए तो जितना मैं बोल रही हूँ उतना सुन लो ठीक है सबसे पहले थर्टी की बात कर लेते हैं क्लोज नंबर थर्टी कहता है कि आपको डिटेल देनी है अगर आपने कोई अमाउंट बोरो किया है ओन हुंडी और या उसके ऊपर कोई भी अगर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू है उसकी राइट right? कौन सा अमाउंट जिसकी आपने रीपेमेंट करी लेकिन रीपेमेंट कैसे करी है अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक सेक्शन नंबर सिक्सटी नाइन डी है इनकम टैक्स एक्ट का तो आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है ठीक है ऐसा एग्जाम में अभी तक तो इतने कोई क्वेश्चन यहां से पूछे नहीं गए बट यू नेवर नो थर्टी ए कहता है कि क्या आपने कोई भी प्राइमरी एडजस्टमेंट करी है अंडर सेक्शन नाइन्टी टू सी ई ये क्या होता है जब आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ ट्रांजेक्शन करते हो जो डिफाइंड है नाइनटी टू एम ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है मतलब जिस पेमेंट पे जिस प्राइस पे आप अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो और एक होता है आम लेंथ प्राइस मतलब जिस पे आपको ट्रांजेक्शन करनी चाहिए थी अगर कुछ डिफरेंस है तो आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उन एडजस्टमेंट को कहते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट इन वेरी सिंपल वर्ड्स राइट right? अगर आपको लो की लैंग्वेज चाहिए तो यू गो एंड रीड द सेक्शन ओके तो कहता है क्या आपने सेक्शन नंबर 92 टू ई में कोई प्राइमरी एडजस्टमेंट करी वो कहता है हाँ करी तो बताओ ये डिटेल्स कौन कौन सी नंबर वन 92 टू सी ई के किस क्लोज के अंदर आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट करी उसके बाद किसने अमाउंट की प्राइमरी एडजस्टमेंट करी कौन से क्लोज में करी कितने अमाउंट की प्राइमरी एडजस्टमेंट करी जो एक्सेस मनी थी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस लेंथ प्राइस जो आपका लेंथ प्राइस था इन दोनों की डिफरेंस की मनी क्या आपको इंडिया में रेपिट्रेट करके लानी थी अगर यस yes, क्या तुमने प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर उसको इंडिया में रेपिट्रेट कर दिया प्रिस्क्राइब टाइम कितना है नाइन्टी डेज राइट अगर नहीं तो क्या जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना था वो आ गया है इंडिया में विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी राइट right? उसके बाद आता है क्लोज नंबर थर्टी बी ये लिमिट लगाता है इंटरेस्ट की डिडक्शन के ऊपर ये section. ये सेक्शन सेक्शन कहता है कि अगर आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से बोरो करते हो पैसा तो आप एक लिमिट तक ही जो इंटरेस्ट उसको पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन मांग सकते हो और वो लिमिट कितनी थर्टी परसेंट ऑफ इबीडेटा राइट तो ये पॉइंट कह रहा है क्या आपके एसएससी ने कोई भी अमाउंट इनकर्ड किया है एस द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट या सिमिलर नेचर का जिसका अमाउंट एक्सीड करता है एक करोड़ रुपए से ज्यादा पहले ये बताओ यस और नो बताओ तो तुम बोल रहे हो yes, यस किया है तो किया है तो फिर ये सारी बातें बताओ कौन कौन सी क्या अमाउंट था उस एक्सपेंडिचर का दूसरा ईबीडीटा का क्या अमाउंट था ये बताओ तीसरा कितना अमाउंट इंटरेस्ट का थर्टी परसेंट ऑफ ई डेटा से ज्यादा था ये yes, बताओ और डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड अब आपका बी का सब सेक्शन नंबर फोर ये कहता है कि आप आठ साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अनऑब्जर्व एक्सपेंडिचर को तो जितना पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है अमाउंट वो बताओ और जितना तुम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ये बताओ ये सारी चीजें आपको यहां पे रिपोर्ट करनी है राइट मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर थर्टी सी ये क्या कहता है कि क्या एस एस सी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई इम अवॉइडेंस अरेंजमेंट अगेन इंटरनेशनल टैक्सेशन की अरेंजमेंट एंटर करी है तुम बोल रहे हो यस करी है करी है तो बताओ किस नेचर की थी और कितने अमाउंट का तुम्हें टैक्स का बेनिफिट हुआ ऐसे अरेंजमेंट से ये थर्टी सी था तुम्हारा राइट मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर थर्टी वन इंपॉर्टेंट है क्लोज है तो इसीलिए मैंने इसका यहाँ पे चार्ट में इसको समराइज किया है ये रहा क्लोज नंबर थर्टी वन क्लोज नंबर थर्टी वन का पार्ट नंबर ए क्या कहते हैं ये पार्ट अरे द क्लोज नंबर थर्टी वन तो क्लोज नंबर थर्टी वन के लिए मैंने बनाया है ये वाला चार्ट ठीक है बहुत बड़ा क्लोज है थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है तो पहले थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर समझा देती हूँ इसका है क्या देखो क्लोज थर्टी वन में आपको सबसे पहले थर्टी वन ए की रिपोर्टिंग थर्टी वन बी की रिपोर्टिंग थर्टी वन बी ए की रिपोर्टिंग थर्टी वन ए में किस चीज की रिपोर्टिंग होगी पर्टिकुलर्स देने हैं आपको अगर आपके एस ने कोई भी लोन या, किया है तो, और उस या का जो अमाउंट है वो एक्सीड करता है तो उस में आपको पर्टिकुलर्स देने क्या क्या आपको नेम बताना है एड्रेस बताना है पेन बताना है अपने लेंडर का या डिपोजिटर का अमाउंट बताना है कितने अमाउंट का लोन आपने एक्सेप्ट किया है कितने अमाउंट का आपने डिपोजिट एक्सेप्ट किया है और जहां पे अगर सॉरी ड्यूरिंग द ईयर जो आपने लोन लिया जो आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया क्या आपने उसको किया? मतलब क्या आपने 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 उसको किया मतलब उसकी करी ये बताना है उसके साथ साथ आपने क्या इस को, इस को को या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू एक्सेप्ट किया है यह बताना है और अगर आपने इस लोन डिपॉजिट को चेक बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू एक्सेप्ट किया है तो क्या ये आपका जो अकाउंट ये जो आपका चेक था या बैंक ओडी था यह अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट पे ड्राफ्ट था ये आपको बताना है ठीक है तो ये सारी रिपोर्टिंग काम पे करनी है थर्टी वन ए में करनी है ओके ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी या कोई भी दैट इज अंडर अंडर सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि सेक्शन नंबर 269 एसएस इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है राइट कमिंग मूविंग फॉरवर्ड टू थर्टी वन बी थर्टी वन बी कहता है कि मैं ना बिल्कुल ही रेप्लीका हूं थर्टी वन ए का डिफरेंस ये है वहां पे तुम किसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे डिपॉजिट की या लोन के यहां पे तुम्हें किसके पर्टिकुलर्स देने हैं अगर तुम्हारे एसएससी ने कोई भी स्पेसिफाइड सम एक्सेप्ट किया है मतलब कोई भी एडवांस रिसीव किया है इन एक्सेस ऑफ द लिमिट विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 269 एसएस और लिमिट कितनी है 20000 है उससे ज्यादा का क्या पर्टिकुलर्स दोगे तुम यह बताओगे नेम एड्रेस पैन क्या है उस इंसान का जिससे तुमने ये एडवांस लिया है कितने अमाउंट का ये सम है और क्या तुमने इस सम को एक्सेप्ट किया है वे ऑफ चेक बैंक ओडी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और जहां पे तुमने सम को एक्सेप्ट किया है वे ऑफ चेक बैंक ओडी तो क्या ये चेक अकाउंट पे ही चेक था क्या ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट पे ही ओवरड्राफ्ट था ये बताना है ये नोट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा ये प्रोविजंस गवर्नमेंट कंपनी बैंकिंग कंपनी या ऐसी कॉरपोरेशन जो एस्टेब्लिड है सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अंडर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा राइट right? उसके बाद आता है आपका थर्टी वन बी ए थर्टी वन बी ए किसके बारे में बात करता है ये कहता है कि अगर आपके एस एस सी ने कोई भी सम रिसीव किया है मतलब आपको रिसिप्ट देनी है हर एक उस रिसिप्ट की जो उसने करी है ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग टू अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट विच इज स्पेसिफाइड अंडर टू सिक्सटी नाइन एस टी इन शॉर्ट अगर आपके एस ने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है दो लाख या उससे ज़्यादा का किसी भी पर्सन से एक दिन में या एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक इवेंट से रिलेटेड तो आपको उसकी डिटेल देनी है थर्टी वन बी ए में अगर ये पैसा आपके एस ने कैसे रिसीव किया है कैश में रिसीव किया है या फिर अदर वर्ड्स में बोलूं अदरवाइज देन अ चेक बैंक ओडी या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू रिसीव किया है तो उस केस में आपको क्या क्या बताना है नेम एड्रेस पेन ऑफ द पेयर जिसने आपको यह पैसा दिया किस नेचर की ट्रांजेक्शन है यह बताना है कितना आपने अमाउंट रिसीव किया ये बताना है किस डेट पे आपने इस अमाउंट को रिसीव किया ये बताना है और ये जो एग्जाम वाला नोट है यहाँ पे भी अप्लाई होगा राइट मूविंग फोर्वर्ड टू क्लोज नंबर थर्टी वन बीबी ये कहता है कि मैं बिल्कुल ना बी ए जैसा ही हूं यहां पे भी हमें रिसीट के ही पर्टिकुलर देने हैं अगर ऐसी कोई रिसीट जो आपके एस एस सी ने टू सिक्स की लिमिट से ज्यादा रिसीव करी है किसे एक परसन से, एक एक पर्सन से दिन में ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक इवेंट से रिलेटेड लेकिन यहां पे जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो पेमेंट चेक में आ रही है बैंक ओडी के थ्रू आ रही है लेकिन ये चेक बैंक ओडी अकाउंट पे ही नहीं है तो आपकी रिपोर्टिंग कहां जाएगी थर्टी वन बीबी में जाएगी राइट अगेन पर्टिकुलर क्या बताने सेम ऊपर वाले नेम एड्रेस पेन ऑफ द पेयर

तो उसके आपके एसएससी को आ, मतलब उसके पर्टिकुलर्स की रिपोर्टिंग 31 बीसी और बीडी में करनी है राइट बीसी रेप्लिका है आपका बीए का और बीडी रेप्लिका है आपके बीबी का राइट तो बीसी कहता है कि स्पेसिफाई करो पर्टिकुलर्स ऑफ हर एक वो पेमेंट जो आपके एसएससी ने करी है ऑफ अ सम एक्सिडिंग 2 लाख या उससे ज्यादा इन एग्रीगेट किसी भी एक पर्सन को एक दिन में या एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक इवेंट से रिलेटेड और जहां पे ये पेमेंट कैसे करी है कैश में करी है दूसरे वर्ड्स में बोलूं अदरवाइज देन बैंक ओवरड्राफ्ट या चेक के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अलावा कैसे भी करिए मतलब कैश में करी है क्या क्या दोगे नेम एड्रेस पेन बताओगे पे ई -e का क्योंकि अभी तुम पेमेंट कर रहे हो तो अभी पेयर नहीं होगा तुम किसी को पे कर रहे हो तो उसका नेम एड्रेस पेन बताओगे उसके साथ साथ क्या नेचर है ट्रांजेक्शन का ये बताओगे कितने अमाउंट की तुमने पेमेंट करी है ये बताओगे डेट क्या है पेमेंट की ये बताओगे और वो एग्जम्पन यहाँ पे भी अप्लाई होगी एग्जम्पन हर जगह ही अप्लाई होगी राइट उसके बाद आपका थर्टी वन बी डी रेप्लिका है बीबी का यह कहता है कि तुम्हें पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे अगर कोई पेमेंट करी है ऑफ अ सम एक्सीडिंग

और अमाउंट बताना पड़ेगा पेमेंट का और ये नोट यहां पे भी अप्लाई होगा राइट मूविंग फॉरवर्ड टू थर्टी वन सी थर्टी वन सी बात करता है रीपेमेंट की थर्टी वन डी भी रीपेमेंट की बात करता है थर्टी वन ई भी रीपेमेंट की बात करता है मतलब थर्टी वन सी कहता है कि जो लोन आपके एस एस सी ने ऊपर थर्टी वन में लिया था थर्टी वन ए में जिसकी रिपोर्ट रिपोर्टिंग की थी अगर उस लोन उस डिपोजिट की रीपेमेंट अगर आपका एस कर रहा है और उस रीपेमेंट का अमाउंट बीस हजार या उससे ज्यादा का है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी क्या 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 क्या, -क्या, -क्या पर्टिकुलर सा बताओगे नेम एड्रेस एंड पेन ऑफ द पे क्योंकि यहाँ पे अब आपका एस पे कर रहा है तो जिसको पे किया उसका नाम उसका एड्रेस उसका पेन कितने अमाउंट की रीपेमेंट है ये बताओगे मैक्सिमम अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कितना था ये बताओगे क्या आपने इस पेमेंट को चेक बैंक ओडी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू किया ये बताओ और अगर इस पेमेंट को चेक बैंक ओडी के थ्रू किया तो क्या ये चेक आपका अकाउंट पे ही चेक था और ये जो आपका ओडी था वो अकाउंट पे ओडी था और ये एग्जाम्शन यहां पे भी अप्लाई होगी अब आते हैं स्पेशल क्लोजेज में थर्टी वन डी और ई बी रीपेमेंट की बात करते हैं यहां पे फर्क इतना है थर्टी वन डी और ई e, इसकी रिपोर्टिंग किसको करनी है इसकी रिपोर्टिंग उस इंसान को करनी है उस एस एस सी को करनी है जो रीपेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है मतलब अगर आपके एस एक ऐसा एस है जिसने किसी को लोन दिया और उसके लोन की रीपेमेंट आ रही है और वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्लोज तब लगेंगे यहां पे आपका एस एस सी में रीपेमेंट हो रही है बट वो ऐसा एस है जो रीपेमेंट कर रहा है राइट तो कहता है कि जो भी आपने अमाउंट दिया था लोन का उसकी रिपेमेंट आपके आई डिपॉजिट के डिपॉजिट uh, दिया उसकी आई लोन दिया उसकी आई या कोई स्पेसिफाइड सम दिया और कितने अमाउंट की आ रही है बीस हजार है उससे ज्यादा की आ रही है और कैसे आ रही है कैश में आ रही है सिंपल सी वर्ड है अमाउंट कैसे आ रही है रिसीव्ड अदर देन आइए यहाँ पे अदर देन चेक और बैंक कोड के थ्रू आ रही है या अदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ रही है सिंपल कैसे आ रही है कैश में आ रही है ठीक तो है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है थर्टी वन डी में करनी है अगर यही रीपेमेंट आपको आ रही है कैसे चेक के थ्रू बैंक ओडी के थ्रू लेकिन ये चेक बैंक ओडी आपका अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ओडी नहीं है तो इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी थर्टी वन ई में होगी ओके क्या पर्टिकुलर्स आपको रिपोर्ट करने हैं आपको नेम बताना है एड्रेस पेन ऑफ द पेयर पे ही नहीं है यहाँ पे याँपे पेयर है क्योंकि अब इस सिचुएशन में आप रिसीव कर रहे हो आपका अमाउंट क्या है रिपेमेंट क्या ये बताना है और एग्जामिशन का नोट यहां पे भी अप्लाई होगा यहां पे आप क्या बताओगे नेम एड्रेस पेन ऑफ द सेम अमाउंट क्या है पेमेंट का ये और नोट यहाँ पे भी अप्लाई होगा इट इज वेरी सिंपल द वे आई हैव ड्राफ्टेड इट इट इन दिस पर्टिकुलर चार्ट विल बिकम सुपर इजी ओके इससे ज्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगी तो आगे चलते हैं तो ये थर्टी वन क्लोज मैंने वहां पर समराइज करा दिया आपको अब आते हैं क्लोज नंबर थर्टी टू थर्टी टू ए बात करता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसिस और आपके डेप्रिसिएशन अलाउंसेस की एज यू नो इनकम टैक्स में आप अपने लॉसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तो कह रहा है कि जो आपके पिछले साल के अनऑब्जॉर्वड डेप्रिसिएशन है या अनऑब्ब्जॉर्व्ड आपके लॉसेज हैं जो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आ रहे हैं आपको उसकी डिटेल देनी है एग्जाम के परस्पेक्टिव से बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट ही नहीं है ठीक है थर्टी टू बी बात करता है कि अगर आपके शेयर होल्डिंग के पैटर्न में कोई भी चेंज हुआ है जिसकी वजह से जो लॉसेज आपने पिछले सालों में इनकर किए थे वो कैरी फॉरवर्ड हो नहीं हो पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर सेवेंटी नाइन उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है ये जितने भी थर्टी टू वाले हम सब सेक्शन पढ़ेंगे सब क्लोजेस पढ़ेंगे उसमें सारे कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही है ठीक है उसके बाद कहता है थर्टी टू सी क्या आपके एस एस सी ने कोई भी स्पेक्यूलेशन लॉस इनकर्ड किया है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री ड्यूरिंग द ईयर अगर स्पेक्यूलेशन लॉस है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है राइट थर्टी टू थर्टी टू डी कहता है क्या आपके एस एस सी ने कोई भी लॉस इनकर्ड किया है विच इज रेफर्ड अंडर सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री ए थर्टी फाइव स्पेसिफाइड बिजनेस इसके लॉस को आप इन फाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ऐसा सेक्शन नंबर सेवेंटी ए कहता है और आपकी आपको इसकी रिपोर्टिंग देनी है थर्टी डी में राइट थर्टी ई क्या कहता है अगर कोई कंपनी है तो आपको स्टेट करना है क्या आपकी कंपनी ऐसे किसी काम को कर रही है जिसको आप स्पेकुलेशन बिजनेस डीम्ड कर लेते हो ये आपको इसके लिए पढ़नी पड़ती है सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री की एक्सप्लेनेशन ठीक है जहाँ पे स्पेसिफाइड है कि अगर आप ऐसे ऐसे काम करोगे तो आप हम मान लेंगे कि आप स्पेक्युलेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो अगर ऐसा है और आपको कोई लॉस हुआ है तो आपको स्पेक्यूलेशन लॉस की डिटेल क्लोज नंबर थर्टी टू e ई में देनी है राइट थर्टी टू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से थर्टी वन ट्वेंटी वन थर्टींथ फोर्टीन नाइन्थ फोर्थ फोर्थ एट्थ और भी मैंने आपको बीच में बताए थे वो सारे क्लोजेज इंपॉर्टेंट है क्लोज नंबर थर्टी थ्री वेरी सिंपल कहता है कि जहाँ जहाँ भी आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है टेन टेन नहीं चैप्टर सिक्स ए की यहाँ पे बता दो ठीक है तो अगेन नॉट इम्पोर्टेंट थर्टी फोर ए दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट राइट इस पर पूछा गया है क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कहता है कि आपको सबसे पहले ये बताना है क्या आपका एस एस आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो उसको टी काटना है या उसको टैक्स कलेक्ट करना है एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर सेवन ये आपके टी के चैप्टर्स हैं ठीक है ठेके? तो कह रहा है हाँ काटना है तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है आप उसका टेन नंबर बताओ कौन से सेक्शन में उसका टी काटना है ये बताओ किस नेचर की पेमेंट हो रही है ये बताओ टोटल अमाउंट क्या है आपकी पेमेंट का या रिसिप्ट का ये बताओ टोटल अमाउंट क्या है जिसके ऊपर आपको टी काटना है ये बताओ टोटल अमाउंट क्या है जिसके ऊपर आपने टी डी काटा स्पेसिफाइड रेट से ये बताओ टोटल अमाउंट क्या है जिसके ऊपर हाँ, आपने, एक इसमें नंबरिंग मुझे लगता है आगे पीछे हो रखी है एट की तो इसको एक बार देख लेना ये क्या है इसमें ना नंबरिंग आगे पीछे हो रखी है ठीक है तो ये डिटेल से एक बार पढ़ लेना आगे थर्टी फोर बी में आपको क्या कहना है जब आप किसी का टी डी एस काटते हो ठीक है या आप टीसीएस कलेक्ट करते हो तो आपको एक रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है स्टेटमेंट तो क्या आपने उस स्टेटमेंट को सबमिट करा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम आपको यहां पे डिटेल देनी है उसका टेन नंबर किस टाइप का ये फॉर्म था क्या डेट है आपको फर्निश करने की ये बताना है राइट right? उसके साथ साथ वेदर द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड कंटेंट्स द इन्फॉर्मेश्स अबाउट ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच आर रिक्वायर टू बी रिपोर्टेड वो कहते हैं जो स्टेटमेंट तुम भर रहे हो उस स्टेटमेंट के अंदर क्या सारी के सारी इन्फॉर्मेशन कंटेंट है उन ट्रांजेक्शन्स को लेकर जिसके ऊपर तुमने टैक्स को डिडक्ट किया या टैक्स कलेक्ट किया अगर नहीं है तो तुम लिस्ट स्पेसिफाई करो उन ट्रांजेक्शन की जो तुम रिपोर्ट नहीं कर रहे हो राइट थर्टी फोर सी कहता है कि अगर तुम नहीं टीडीएस काटोगे या टीडीएस काटा पर गवर्नमेंट को टाइम पे डिपॉजिट नहीं किया तो उस केस में तुम्हें इंटरेस्ट भी लगता है पेनल्टी भी लगती है तो उसकी रिपोर्टिंग थर्टी फोर सी में करनी है ओके okay. इसको प्लीज एक बार देख लेना ये इंपॉर्टेंट है यहां पे ना नंबरिंग आगे पीछे हो रखी है और ये वर्ड्स बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे ओके okay. फिर आती थर्टी फाइव ए 35 में आपको क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्टिंग करनी है 35 ए में रिपोर्टिंग करनी है स्टॉक की इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न 35 बी में रिपोर्ट करनी है इन केस ऑफ आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो कहता है कि अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है अगर आपका ऐसे ट्रेडिंग में काम करता है तो उस केस में आपको डिटेल्स देनी है कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है कितने आपने परचेजेस करी सेल्स कितनी क्लोजिंग स्टॉक कितना है और कितना आपका एक्सेस या शॉर्टेज है और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो तो आप ए रिपोर्ट करोगे एक आप बी रिपोर्ट करोगे ए में आप वही बताओगे ऊपर वाला रॉ मटेरियल्स के रिलेशन में कि आपका कितना ओपनिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का कितने आपने परचेजेस करी कितने आपने रॉ मटेरियल की कंजम्शन करी कितने आपने सेल्स करी कितने आपने क्लोज

तो ये आपको याद पता कैसे रह सकता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉमूला होता है ना ओपनिंग प्लस परचेजेस ये ऐसा करके माइनस क्लोजिंग ठीक है तो आप उसको ध्यान में रखकर इसको याद कर सकते हो ऐसा सच कोई इतना इंपॉर्टेंट क्लोज है नहीं है ये क्लोज नंबर ट्वेंट थर्टी अभी ये उम्मीद हो चुका है ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में बात करता है मैंने ऊपर बोला है ऐसा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में बात करता है डोट रिमेंबर ऊपर भी एक रिमूव हो चुका था ना एक चार दो हजार सतारह से आई डोंबर ओके सिक्स ए बात करता है कि क्या आपके एस एस सी ने ड्यूरिंग द प्रीवियस इन कोई भी ऐसा सम रिसीव किया है विच इज इन देशर ऑफ डीम्ड डिविडेंट अंडर सेक्शन टू सबसेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ ई वो कहते हैं ये किया है अगर किया है तो आपको अमाउंट स्पेसिफाई करना है कितने अमाउंट का सम रिसीव किया है किस डेट पे आपको रिसीव किया है ठीक है फिर आता है क्लोज नंबर 37 और 38 और 39 ये आपको इकट्ठे पढ़ने हैं ये कह रहे हैं क्या आपने कोई भी कोस्ट ऑडिट कैरीड आउट करी है वो कह रहे हैं हाँ कोस्ट ऑडिट हुई है क्या उस कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई डिसक्वालिफिकेशन थी डिसएग्रीमेंट था किसी मैटर को लेकर किसी आइटम को लेकर वैल्यू क्वान्टिटी को लेकर कहता था तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है क्लोज नंबर थर्टी एट कहता है क्या आपकी कोई ऑडिट हुई है अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट अगर हुई है तो आपको डिटेल देनी है अगर कोई डिसक्वालिफिकेशन थी कोई डिसएग्रीमेंट था किसी भी मैटर आइटम वैल्यू क्वान्टिटी को लेकर तो आपको क्लोज थर्टी एट में बताना है क्लोज नंबर थर्टी नाइन कहता है कि क्या आपकी कोई ऑडिट कंडक्ट हुई है अंडर सेक्शन नंबर सेवेंटी टू ए अगर हुई है तो आपको कोई डिसक्वालीफिकेशन कोई डिसएग्रीमेंट था तो आपको यहाँ बताना है अगेन बिल्कुल नॉट इम्पोर्टेंट जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको ऊपर मोस्टली कवर हो चुके हैं ओके क्लोज नंबर फोर्टी में आपको डिटेल्स देनी है तुम्हारी टर्न ओवर कितनी है ग्रोस प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट अपॉन टर्न ओवर ये रेशियोज हैं जो तुम्हें बतानी है ओके अगेन नॉट इम्पोर्टेंट तो यू कैन लीव इफ आई एम सेइंग नॉट सेटेंट यू कैन लीव दोज क्लोज नंबर फोर्टी वन ये कहता है कि क्या अगर तुम्हारे एस को कोई भी डिमांड मिलने वाली कोई रिफंड आने वाला है इनकम टैक्स को छोड़कर किसी और एक्ट में जैसे कि जीएसटी का रिफंड आ रहा है तो उसकी डिटेल्स तो मैं यहां पे देनी क्लोज नंबर फोर्टी वन में क्लोज नंबर फोर्टी टू क्या कह रहा है क्या तुम्हारे एस को कोई भी स्टेटमेंट फर्निश करनी है अंडर सेक्शन अंडर फॉर्म नंबर सिक्सटी वन तो मान लो कि अगर आपकी जो एस एक बैंकिंग कंपनी है और उसके पास अगर कोई अकाउंट खुलवाने आता है और अगर उसके पास पेन नहीं होता है तो वो उससे फॉर्म नंबर सिक्सटी ले लेते हैं तो अगर तुमने फॉर्म नंबर सिक्सटी लिया है तो उसको तुम्हें उसकी स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है फॉर्म नंबर सिक्सटी में और कुछ एक आपकी रिपोर्टिंग एंडिटी है जो डिफाइंड है आपके इनकम टैक्स एक्ट में उनको बहुत सारे पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं ठीक है फॉर्म नंबर सिक्सटी ए में तो क्या ऐसे तुम्हें कोई स्टेटमेंट फाइल करनी है 61 में 61 ए में और 61 बी में इन सारे सेक्शंस को पढ़ने से ज्यादा बेटर है आप यही याद रख लो ठीक है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अंडर क्लोज नंबर 42 अगर है तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ठीक है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग एंटिटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर जब आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी जो डिफाइंड है ना इनकम टैक्स एक्ट में उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है तो उसका नंबर कि जो भी इसका नंबर है किस टाइप की उनकी फॉर्म का टाइप क्या है किस डेट पर फर्निश करनी है उनको एक रिपोर्ट डेट ऑफ फर्निशिंग इफ फर्निश देखो ड्यू डेट क्या थी रिपोर्ट फर्निश करने की ये वाली स्टेटमेंट को फर्निश करने की क्या उसने डेट मतलब सबमिट करी फर्निश करी करी तो किस डेट पे करी एंड वेदर द फॉर्म कंटेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डिटेल्स एंड ट्रांजेक्शन्स जो उसको देनी चाहिए थी और अगर नहीं दी वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जो उसने रिपोर्ट नहीं करी ये आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी ठीक है क्लोज नंबर 43 कहता है क्या आपका एस या उसकी पेरेंट एंटिटी या उसकी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी अब आपको रिपोर्टिंग एंटिटी पढ़ना है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में जाना पड़ेगा सेक्शन 286 में ठीक है क्या आपकी इस एंटिटी को रिपोर्ट फर्निश करने की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 286 एटी सिक्स सबसेक्शन नंबर टू आप कहता है आप कह रहे हो येस हमारी एंटिटी को पेरेंट एंटिटी को याल्टर ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी को रिक्वायरमेंट है उस केस में वैदर रिपोर्ट हैज़ बिन फर्निश्ड बाई दस सी ओर डॉन्ट अगर रिक्वायरमेंट थी तो क्या आपने रिपोर्ट फर्निश करी नेम क्या है आपकी पेरेंट एंटिटी का नेम क्या है आपकी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी का अगर है तो और किस डेट पे आपने रिपोर्ट फर्निश करी ये सारी रिपोर्ट आपको क्लोज क्लोज नंबर नंबर 43 में में देनी है 44 फोर आपको ब्रेकअप देना है टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने एंटिटीज पे किया है एक रजिस्टर्ड कितनी है और जितनी रजिस्टर्ड नहीं है मतलब आपका ऐसे जब सामान खरीदेगा तो दो टाइप के लोगों से सामान खरीद सकता है एक जो रजिस्टर्ड है और दूसरे कौन से हैं अनरजिस्टर्ड है तो उसका ब्रेकअप आपको क्लोज नंबर फोर्टी में देना है ओके आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है देखो टोटल अमाउंट कितना एक्सपेंडिचर का आपने इनकम किया है ड्यूरिंग द ईयर ये उसके बाद एक्सपेंडिचर आपने उन एंटिटीज के रिस्पेक्ट में कितना किया है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है मतलब रजिस्टर्ड बंदे से कितना सामान खरीदा और जितना रजिस्टर्ड नहीं है उससे कितना सामान खरीदा और फिर नीचे कितने उनमें से कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड थे कितने एग्जाम हैं ये सारी चीज़ें आपको बतानी है ओके सो दिस वॉज योर एंटायर टैक्स ऑडिट बड़ा है टाइम कंज्यूमिंग है इसी वजह से इस चैप्टर को करने की वर्थ नहीं आती है अगर आप मुझसे पूछो कि अगर सौ नंबर का आपको पेपर आ रहा है ठीक है और उसमें से अगर आपको सात नंबर का नहीं आता है सौ नंबर का पेपर भी नहीं आता आपको ज़्यादा का पेपर आता है ठीक है तो उसमें अगर आपको सात नंबर का नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ी तोप की बात नहीं है लेकिन अगर आपको है कि भाई मुझे करना है और ये मैं करूँगा तो तुम कर सकते हो क्योंकि अगर आप सोचो तो फिर पास होने के लिए तो एक नंबर भी बहुत है तो अगर आपको ये क्लास देखकर कर ये लेक्चर समझ में आता है ऑल दो इस चैप्टर को इस स्पीड से अगर तुम सोचोगे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा तो दैट्स नॉट पॉसिबल इट्स नॉट गोना हैपन इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज अनलेस यू नो द सेक्शन रेलिवेंट सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यू वॉन्ट नो द इन डेप्थ नॉलेज वाई एंड वट वी आर एग्जैक्टली टॉकिंग इन दिस क्लोज राइट right? तो बहुत सारे सेक्शंस मैंने ऊपर ऊपर से सिर्फ बोले ये है, ये है, ये है, ये है। तो सोचो जब आप करेंगे तो क्लास तो कई दिन चली जाएगी ओके सो बट एनी वेज आई वुड लाइक टू बिलीव कि जो चीज आप नहीं समझ पाओगे तो उसको याद कर लेना मैं कभी भी बोलती नहीं हूं कि रट्टा मारो बट दैट्स द बेस्ट ऑप्शन इनस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग each and एवरी सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड रिवाइजिंग again स्पेशली अगर आप पहली बार आपने अभी तक डी टी पढ़ाई ही नहीं है आप यही पढ़ रहे हो तो, तो आपके पास मतलब बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि आप याद ही कर लो उस चीज़ को ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो इफ यू कैन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट हैव अ ग्रेट डे और नाइट बाय बाय